निदानशी संपर्क साधा। सामना सुरू झाल्याचा इशारा येतोय। स्ट्राइक वर असेल सुमित, नॉन स्ट्राइक ला असेल तो आकाश। गोलंदाज मार्क वर सुविचार, मोठा फटका लागवण्याचा प्रयत्न हवे मध्ये। चेंडू खूप वेळ राहील, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक नक्कीच येतोय। प्रयत्न केला जातोय परंतु अपयशी नक्की ठरतोय। वन बाउंड चेंडू गॅदर केला जातोय। पहिल्या चेंडूवर संधी होती माघारी परतवण्याची, ती सुमित याला। मोठा फटका लगवण्याचा प्रयत्न केला गेला परंतु अपयश आलं ते सुमित याला। दोन धावा निश्चितच पूर्ण केल्या गेल्या। दोन धावी निश्चित संघाचं खातं खोललं जात आहे। धाव संख्या पाहायला गेलं तर स्कोर कार्डवर असेल ती, मात्र दोन धावा श्री गणेशा केला जातोय। दोन्ही फलंदाज चर्चा करतात। पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका लगवण्याचा प्रयत्न केला गेला पाइन लेगच्या दिशेने, नो मॅन स्लॉट मध्ये हा चेंडू जाऊन पडला। पुन्हा एकदा सज्ज असेल तो सुमित। अविशीलन अडिवरे संघाकडून इथे मात्र हलक्यापणे चेंडू टोलवण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि हा चेंडू जातोय सीमारेषे बाहेर। आर किपार चार चार धावांसाठी या चौकार जाईल। या चार धावनिशी संघाच्या खात्यात भर पडेल। धाव संख्या असेल सात। चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल ती सुमित याची आपल्या संघासाठी। पहिल्या चेंडूवर दोन धावा कुठल्या आणि लेग साइडच्या दिशेने हा चेंडू टोलवला गेला चार धावांसाठी। वन बाउंड चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला। चर्चा करतोय यतीश आणि सुविचार कशा प्रकारे फटकेबाजी करेल हे पाहायचं असेल। पहिल्या दोन चेंडूवर सहा धावा खर्च केल्यात सुविचार याने। तिसरा चेंडू कशा प्रकारे टाकेल मैदानाच्या आतमध्ये पाहायचं असेल। कशा प्रकारे चेंडू पडेल हे पाहायचं असेल। कोणत्या गतीने चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये मिश्रण केलं जाईल सुविचार। पुन्हा एकदा आड्या पावलांचा रनअप। इथे मात्र ऑफस्टिकच्या बाहेर जाणारा चेंडू त्याला छेडलं गेलं आणि निर्धाव चेंडू जाईल सर। यष्टीरक्षकच्या आतामध्ये बॅटची कडा घेतली होती, थोडक्यासाठी बचावला गेला यष्टा उद्ध्वस्त होण्यापासून। इथे मात्र निर्धाव चेंडू टाकण्यात यश मिळवलं जात आहे। कुठेतरी थोडस कमबॅक केलं जात आहे। यशस्वी गोलंदाज एक खेळाडू का आहे हे दाखवून देतोय। इथे मात्र मोठा फटका स्क्वेअर लेग पंचांच्या बाजूने जाताना दिसतोय। पाहायला गेलं तर मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेग पंचांच्या मध्ये हा चेंडू गॅदर केला जाईल, एक धाव पूर्ण केली जाईल। स्ट्राईक वर असेल आता मात्र आकाश। धाव संख्या असेल ती मात्र सात। ही धाव संख्या आपल्याला पाहायला मिळते आणि स्ट्राईक वर येतोय प्रथमच तो आकाश। उजव्या हाताची सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। आयुष इलेवन आडिवरे संघाचे बॅटिंग लाईन पाहायला गेलं पाचव्या ते सहाव्या क्रमांकापर्यंत। इथे मात्र चांगला फटका, चेंडू सर जातोय मयुरेशच्या हातामध्ये। चांगला प्रयत्न केला गेला होता, हे पण डाकवला गेला अंतिम क्षणी। इथे जेल सुटतोय। चांगला प्रयत्न पाहायला मिळते आयुष इलेवन। इथे मात्र सुमित पुन्हा एकदा सज्ज असेल। एक धाव पूर्ण केली गेली होती या अगोदरच्या चेंडर। इथे मात्र गती कमी केली, मिश्रण केलं गतीच आणि इथे मात्र निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळेल। धाव संख्या पाहायला गेलं तर धाव संख्या आठ असेल। पहिलं षटक संपुष्टात आलं आणि धाव संख्या झाली आठ। आता मात्र स्ट्राईक वर असेल आकाश, नॉन स्ट्राईक ला असेल सुमित। पहिलं षटक एक जीवनदांत मिळालंय आकाश याला। कशा प्रकारे या संधीचं सोनं करेल हे पाहायचं असेल। आठ डावा स्कोर कार्ड जोडल्या जातात। आता मात्र पूर्ण संघ एकत्र येतो, टीम मीटिंग बोलवली जाते। मोठा सामना आहे त्यामुळे प्रत्येक षटकानंतर चर्चा नक्कीच होईल हे पाहायचं असेल। दुसरं षटक आतण्यासाठी कोणता गोलंदाज बोलवला जाईल मैदानाच्या आतमध्ये। इथे मात्र सोपवलं जात आहे षटक ते गौरवच्या हातामध्ये। गौरव गोलंदाजीसाठी येईल। पहिलं प्रथम फलंदाजी करत असताना चांगली सुरुवात करून दिली होती आपल्या संघासाठी। गोलंदाजी करत असताना सुविचार याने चांगली सुरुवात करून दिली आहे। आठ धावा केवळ खर्च केल्यात, एक संधी दिली गेली आहे। गौरव गोलंदाजी मार्क वर सज्ज असेल कॉमेंटरी बॉक्स एंड कडून। सामना करते आकाश। एक संधी प्राप्त झाली जेल स्वरूपात। बाद होता होता थोडक्यासाठी बचावला गेला, चांगला एफर्ट दाखवला गेला मयुरेशाच्या कडून। स्ट्रेट डाईव्ह रिजन मध्ये लॉंग ऑफच्या दिशेने
इथे मात्र बाहेर जाणार चेंडू सरळ गलीच्या दिशेने ढकलला जातो. एक धाव निश्चितच पूर्ण केली जाईल या एका धावेवर समाधान मानले जाते. स्ट्राइकला असेल तो मात्र सुमित स्ट्राइक रोटेट होत आहे. एक धाव पूर्ण केली गेली. धाव संख्या असेल स्कोर कार्ड वर 9 धावा जोडल्या जात आहेत. बिनबाद 9 धावा 69 धावांचं हे आव्हान असेल. अजूनही पाहिलं गेलं तर 60 धावांची गरज असेल विजयासाठी. 69 धावांचा पाठलाग करत असताना कुठेतरी संयम दाखवला जातोय पहिल्या षटकामध्ये. सुविचार याच पहिलं षटक हाताळलं गेलं होतं. इथे मात्र गौरव पुन्हा एकदा मोठा फटका लागवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. पाईन लेगच्या दिशेने एक धाव पूर्ण केली जाते. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. थोडासा अडकवतोय. इथे मात्र 2 धाव पूर्ण केल्या जात आहेत. चांगलं क्षेत्ररक्षण संघासाठी नक्कीच 2 धाव वाचवल्या गेले आहेत त्या क्षेत्ररक्षकाकडून पाईन लेगच्या दिशेने. सुमित पुन्हा एकदा कशा प्रकारे फटकेबाजी करेल. या अगोदरचा चेंडू पाय लागतं पाईन लेगच्या दिशेने टोलावला गेला. 2 धावा खर्च केल्या गेल्या. गौरव 8 डावांचा रन पंचांच्या डाव्या बाजूने. इथे मात्र शॉर्ट पिच चेंडू पंच वाईड घोषित करतायत. लेग साइडच्या दिशेने टोलावण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि वन बाउन्सचा इशाराही केला जातोय. अतिरिक्त उंचीचा जर दुसरा चेंडू टाकला गेला तर 9 बॉल घोषित नक्कीच केला जाईल. वन बाउन्सचा इशारा केला जातोय तो गौरव याला दंडित केलं जातंय वाडीतने. इथे मात्र गौरव पुन्हा एकदा सज्ज असेल सुमित याच्यासाठी. गौरव टू सुमित मोठा फटका लागवण्याचा प्रयत्न केला जातोय लॉंगॉनच्या दिशेने. इथे मात्र एक धाव पूर्ण केली गेले आणि चेंडूला गॅदरही केलं गेलंय. एका धावेवर समाधान मानलं गेलं. दोन्ही फलंदाजांकडून मोठे फटके मारण्यापासून रोखलं जातंय. मोठे फटके खेळण्यासाठी संधी दिली जात नाही. अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी केली जाते. पहिल्या षटकामध्ये केवळ 8 डावा खर्च केल्या. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना पाहिलं गेलं तर धाव संख्या असेल ती मात्र 13 धावा स्कोर कार्ड वर जोडल्या जात आहेत. गौरव इथे मात्र हलक्या पद्धतीने चेंडू टोलाला जातोय. कव्हरच्या दिशेने हा चेंडू जाईल. एक धाव पूर्ण केली गेली आहे. एका धावीवर समाधान मानलं जातंय आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. 2 षटकांचा इथे मात्र एक चेंडू अजूनही शिल्लक असेल. स्ट्राइक वर आहे तो सुमित आणि आकाश ही सलामीची जोडी मैदानच्या आतमध्ये पाठवली गेली आणि धाव संख्या पाहिलं गेलं तर 14 असेल. इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न चेंडू जातोय. पाईन लेगच्या दिशेने सुविचार चेंडू खाली आहे. इथे मात्र जेल घेतला जातोय. माघारी परतावं लागेल. पहिल्या चेंडूवर संधी होती सुविचार याच्या. आता मात्र दुसऱ्या षटकाच्या धाव संख्या पाहिलं गेलं एक चेंडू अजूनही शिल्लक असेल. सौरभ नवीन फलंदाज मैदानच्या आतमध्ये जाईल. कशा प्रकारे फटकेबाजी करेल हे पाहायचं असेल. हुकमे एक का सुमित माघारी परतलाय आणि मोठा धक्का असेल तो ऐशिलन आडिवरे संघाला. 69 धावांचा पाठलाग करत असताना वाऱ्याच्या विरुद्ध फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि कुठेतरी फसला. सुविचाराने कोणती चूक केली नाही. गौरव आपल्या षटकातील पुढील चेंडू घेऊन येते. मात्र फॉलोअरमध्ये क्षेत्ररक्षण काढण्याचा प्रयत्न चेंडूला गॅदर केलं जाईल मयुरेशच्या माध्यमातून आणि एक धाव पूर्ण केली. कोणती धाव नसेल. इथे मात्र 2 षटकांचा खेळ पूर्ण होतोय आणि धाव संख्या झाली 1 गडीबाद 14 धावा स्कोर कार्डवर जोडल्या जात आहेत. थैंक्यू प्रथमेश सर. और मैं शुक्रगुजार फिर से एक बार करना चाहूंगा समीर भाई और इम्तियाज भाई इनका जिन्होंने हमें इनाम दिया है 100-100 रुपए का. प्रथमेश मिस्त्री सर और मुझे थैंक यू सो मच सर. आप जैसे दर्शक है इसीलिए क्रिकेट को यहाँ पर हम इतनी शानदार तरीके से आप तक पहुँचा रहे और हर प्रतियोगिता में इन दोनों भी जोड़ियों का और मैं कहूँगा ये जय और वीरू की जोड़ी है इस एरिया की. और मेरे काफी अच्छे दोस्त भी हैं. जहाँ जहाँ क्रिकेट होती है वहाँ वहाँ ये मौजूद होते हैं. और निश्चित रूप से आज अपना कीमती समय निकाल कर
जो इस प्रतियोगिता में आप आए हैं, जिसकी वजह से रौनक और ज्यादा बड़ी है, तो आपका मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, समीर भाई और इम्तियाज भाई, थैंक यू सो मच। तो चलते हैं मैच के दरमियान, पहले दो ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, रन संख्या कुल मिलाकर बनी है 14 रन बने हैं, और जीतने के लिए अभी भी चाहिए आने वाले 18 गेंदे और 18 गेंदे 55 रनों की जरूरत। सुविचार आते हुए गेंदबाजी के लिए बहुत ही अहम गेंदबाजी रही व्यक्ति का, दूसरा टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर सामने रहेंगे आकाश। क्या कमाल का एफर्ट लगाया था पिछले ओवर में, टेप्पा खाने के बाद जोर से खेलना चाहते थे, फील्डर वहां पर तैनात रोकने का प्रयास, लेकिन दो फील्डर को चीरती हुई गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। अच्छा स्ट्रोक और सही नसीहत दी गेंद को थोड़ी सी। के करीब मिड ऑफ के क्षेत्र में क्या कमाल का प्रयास किया था, जहां पर कैच कुछ हद तक लपक लिया था, लेकिन बाउंड्री लाइन के करीब होने की वजह से गेंद को सेव करने में सफल रहे, लेकिन ना सराहना भी होगी जिस तरीके से उन्होंने अपने टीम के लिए रन रोके हैं। सुविचार गेंदबाजी मार्ग पर सामने रहेंगे आकाश, ये मैच विनर बल्लेबाज है, इनका बल्ला यहाँ से बोलता है तो शायद ही इस डूबती हुई नैया को पार कहेंगे क्या, और यहाँ पर गावड़े अंबेरे के खिलाड़ी रोकने में कामयाब हो पाएंगे। अच्छी गेंद थी, जोर से खेलने का प्रयास किया, गेंद और बल्ले में इतना अच्छा संपर्क नहीं था, फिर भी एक रन बड़ी तेजी के साथ पूरा करते हुए बाउंड्री लाइन के करीब से काफी अच्छा थ्रो आता हुआ, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। रन संख्या बनेगी कुल मिलाकर दोस्तों 19 रन, 19 रन जीतने के लिए अभी भी चाहिए 50 रनों की जरूरत, 69 रनों का पीछा करते हुए यहां पर अगर देखा जाए तो आयुष लेवन अडिवेरी की टीम इससे पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला जरूर किया, लेकिन ऑल फ्रेंड्स गावड़े अंबेरी टीम ने उनके इस फैसले को नाकामयाब करते हुए 68 रन जोड़े और 69 रन का पीछा करते हुए दो ओवर और तीसरी ओवर की दो गेंद की समाप्ति पर अब तक रन बने 19 रन। 50 रनों की अभी भी जरूरत है जीतने के लिए, और पिच गेंद थी, जोर से खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले में इतना अच्छा संपर्क नहीं है, एक रन बड़ी तेजी के साथ लेने का प्रयास जरूर किया था, विकेटों के पीछे अगर देखा जाए तो विकेट कीपर काफी अच्छा कार्य करते हुए थ्रू किया, सुविचार ने गेंद को कलेक्ट किया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है, आने वाली गेंदों पर लंबे स्ट्रोक लगाने की कोशिश जरूर करना चाहते हैं, देखना होगा इस समय किस तरीके की पारी खेलने में कामयाब होते हैं, लेकिन सराहना करनी होगी ऑल फ्रेंड्स गावड़े अंबेरी की जिस तरीके से उन्होंने टीम वर्क दिखा, इनसाइड एज लगी और एक सफलता यहां पर मिलती भी सुविचार को और बहुत बड़ा झटका लगता हुआ इस समय आयुष इलेवन अडिवरी टीम को। इस तरीके की पारी खेलने में काबिल अडिवरी टीम के देखना होगा इस समय कितने रनों का योगदान देते हैं आकाश, जब तक बीच मैदान है उम्मीद की किरण यहां पर जरूर उनके गेम में रहेगी, म्हणूनच म्हटलं जातं मित्रांनो माणसाचं कर्तृत्व आहे समुद्रासारखं असायला पाहिजे, नाही भरतीचा मास नाही ओटीची लाज तरी अथांग, आणि या स्पर्धेमध्ये देखील अनेक खेळाडूंनी खूप मोठा खेळ केलाय आणि निश्चितच या ठिकाणी अप्रतिम कार्य करत त्यांनी आपला नावाचा डंका या स्पर्धेमध्ये माजवलेला आहे, म्हणूनच म्हटलं जातं मित्रांनो जीवनात हार कधीच मानू नका, कारण पर्वतातून निघणाऱ्या नदींना आजपर्यंत रस्त्यात कोणालाच विचारले नाही की समुद्र किती दूर आहे, पाहिलं तरी हेच तुमचे झरे निश्चितच समुद्रापर्यंत पोहोचतील, परंतु तुमचे विचार तुमचा खेळ जास्तीत जास्त उंचीपर्यंत नेण्यामध्ये खूप महत्वपूर्ण साबित होतील। तर मैदानाच्या आतमध्ये कशा प्रकारे खेळी होणार निखिलेच्या माध्यमातून हे देखील पाहण्यासारखं असेल। गेंदबाजी मार्ग पर सुविचार, बहुत ही दमदार खेल अब तक रहा इस खिलाड़ी का, और पिच गेंद थी, जोर से खेलना चाहते थे, घुटना टेक तमाशा देख वाला क्रिकेट बीच मैदान में दिखाने का प्रयास, लेकिन सुविचार भरी बात ही जानते हैं और इनके पास जो माइंड सेट करने का एक अलग नजरिया है वो देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं उस हर एक मोमेंट का जवाब अपनी एक नफीतुली गेंदबाजी से यहाँ पर देते हुए जरूर नजर आते हुए सुविचार फिर से एक बार राइट आर ओवर द विकेट से गेंदबाजी करके, इसीलिए कहा जाता है मेरे दोस्तों क्रिकेट खेल में सटीक लाइनों लेंथ पर टप्पा और बाहुबली में कटप्पा बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, और इस समय सटीक लाइनों लेंथ पर अपनी गेंदबाजी करते हुए सुविचार बताते हुए मैं इस टीम का बड़ा खिलाड़ी क्यों हूँ।
जोर से खेलने का प्रयास। ओ हो, क्या गेंद है, क्या गेंद है, इस खिलाड़ी का कोई भी जवाब नहीं। और चार तीन ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। रन संख्या कुल मिलाकर बनी है 19 रन। आने वाली गेंद रहेगी 12 और जीतने के लिए चाहिए 50 रन। जिस तरीके से युवराज सिंह ने 50 रनों की पारी खेली थी 13 गेंदों पर, वैसी पारी यहां पर खेलनी होगी। लेकिन एक गेंद कम है, 12 गेंदों पर 50 रन बना रहे। और कुछ हद तक देखा जाए तो यहां पर छक्के जड़ने का प्रयास जरूर करना चाहेंगे आकाश, जिनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कम से कम 8 छक्के जड़ने होंगे इस मैच में जीत अर्जित करने के लिए। और बचे हुए 2 रन कहीं ना कहीं सिंगल डबल से आ सकते हैं, लेकिन हर गेंद पर प्रहार कर देवे उससे पहले मैच में आने का प्रयास जरूर करेंगे अड़िद्रे की टीम। बहुत ज्यादा चर्चा भी हो रही थी कि इस प्रतियोगिता की आयुष 11 अडिवरे की टीम प्रबल दावेदार है, लेकिन फिर से एक बार गावड़े अंबेरे की टीम ने यह साबित कर दिया कॉन्फिडेंस लेवल जिसके पास है वो कुछ भी कर सकता है। और वो बता दिया अपने एक अलग टीम वर्क के जरिए बलबूते पर। और मैं कहना चाहूंगा जितने भी गेंदबाज है गावड़े अंबेरे के पूरे स्पिन अटैक पर अपना ज्यादातर दारोमदार रखते हैं, सटीक लाइन और लेंथ पर। इसीलिए क्रिकेट फॉर्मेट में कितनी तेज रफ्तार है ये मायने नहीं रखता, आपके पास किस लाइन और लेंथ की गेंदबाजी है ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। और बड़े बड़े खिलाड़ियों को बीच मैदान में रोकने के लिए प्रयास यहां पर किया गया और उस प्रयास के अंदर सफल भी साबित हुए ऑल फ्रेंड्स गावड़े अंबेरे के खिलाड़ी। अब तक बहुत ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो भी काफी ज्यादा खुश रहेंगे जिस तरीके का मुकाबला चल रहा है। पहला सेमीफाइनल वन साइडेड रहा जिसमें जीत और जीत की तेजस स्पोर्ट सोमेश्वर टीम इसमें जो जीतेगी उनके साथ इस प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले मुकाबला खेलेगी। इंतजार है, देखना होगा। गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए यतीश जिन्होंने बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी की थी, रिवर्स अटेम्प्ट किया है हवाई फायर। ओ व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच, लेकिन गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। लेकिन सराहना करनी होगी इस खिलाड़ी की, पहले देखा जाए तो गेंद को लपक लिया था लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए, फिर भी तालियों से उनकी बल्लेबाजी की। क्या जरूर देखने को मिला लेकिन काबिले तारीफ प्रयास था। म्हणूनच म्हटलं जातं मित्रांनो, प्रयत्नार्थी परमेश्वर, जोपर्यंत तुम्ही प्रयत्न करत नाही तोपर्यंत तुम्हाला यश मिळणार नाही, याचं मूर्तिमंत उदाहरण आपण या सामन्याकडे पाहून लावू शकता। इस बीच चोरपीस गेंदी जोरचे खेळले का प्रयास जरूर किया था, ऑफसाइड की काफी ज्यादा बाहर थी। और इशारा आएगा अक्षय जी कोंडबेकर सर इनकी ओर से वाइड का। रन संख्या बनेगी कुल मिलाकर इस वाइड की मदद से 26 रन, स्पेशल 26। अक्षय कुमार की स्पेशल 26 काफी हिट थी, ये मुकाबला भी हिट है, ये प्रतियोगिता भी हिट है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लेकिन उसका साथ भी देते हुए सभी फील्डर 26 रन बने हैं। और स्ट्राइक पर आते हुए आकाश, देखना होगा आकाश कितने रन बनाते। बल्ले को चेंज यहां पर किया गया है, क्या इसका लाभ उनको मिल पाएगा या नहीं। इस समय भी ऑफ साइड दिया, ऑफ स्टंप, ये रणनीति आजमाई गई है सुविचार की ओर से। काफी गलती यहां पर होती भी, ये गलती आने वाले समय में कितनी बड़ी होगी देखना होगा। 4 रनों का इशारा 22 के रूप में आता हुआ, और इस समय देखा जाए तो और 4 रन यहां पर जुड़ते हुए स्कोरबोर्ड में। रन संख्या बढ़ेगी 30 रन, तो जीतने के लिए अभी भी चाहिए मेरे दोस्तों 39 रनों की जरूरत। ये कहानी है, 39 धावा अजूनी बनवाव्या लागतील, कशा प्रकारे हे षटक असेल, अजूनी या षटकातील 4 चेंडू शिल्लक असतील। पहिला चेंडू वरती षटकार, दुसरा चेंडू वाइड आणि तिसरा चेंडू वर चौकार, अशा प्रकारे आतापर्यंत धावा जमवण्यात यशस्वी आलेले आहेत। उर्वरित 4 चेंडू वरती मोठी फटकेबाजी झाली तर सामन्यामध्ये वेगळं वळण येऊ शकतं। यतीश गेंदबाजी मार्ग पर पीछे आकर खेलना चाहते थे, समझ नहीं पाए सुविचार थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस मोमेंट पर इस तरीके की बल्लेबाजी थोड़े सोचने के लिए मजबूर करेगी, यहां पर चौके छक्के लगने चाहिए, वहां पर सिंगल डबल से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की है काबिले तारीफ। रिवर्स अटेम्प्ट किया है, गेंद के नीचे 2 फील्डर जरूर आते हुए, लेकिन जब तक कि फील्ड करते यहां पर शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया गया है। और कहीं ना कहीं यहां पर देखा जाए तो
एक रन लेने में कामयाब हुए, इक्के दुक्के से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन चौके चक्के लगते हैं तो अड़ीबेरे की टीम इस मैच में वापस आ सकती है। रन संख्या बढ़ेगी से एक रन की बदौलत 31 रन, 38 रनों की अभी भी जरूरत है। आने वाली गेंदें रहेगी दो, और दो में दो छक्के अगर जड़ लेते हैं तो यहाँ पर कुछ न कुछ कहा जा सकता है। यतीश ईश्वर की अगली गेंद करेंगे, यानी कि पांचवी गेंद करने के लिए सज होते हुए पटकी हुई गेंद थी, जोर से जरूर खेला उस क्षेत्र में फिल्टर आते हुए और पीछे जाकर रोकने का प्रयास जरूर किया गया था, लेकिन यहां पर खेलना चाहते थे नाटे में लेकिन गेंद चली गई भाटे में। दो रन जरूर मिलेंगे लेकिन सराहना करनी होगी फील्डरों की, जिस तरीके से जान जोखिम में डालते हुए इस गेंद को फील्ड कर रहे, वो जानते हैं ये क्रिकेट है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए हर गेंद पर जान जोखिम में डाल रहे। इस दो रन की बदौलत रन संख्या बनी है 33 रन, 33 रन। अभी भी जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत है। आखिरी गेंद करेंगे इस ओवर की यतीश, और सामने रहेंगे बल्लेबाज निखिल। इस गेंद पर लंबा स्ट्रोक आना जरूरी है अड़ीबेरे टीम को, देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते। आखिरी गेंद है, रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं, लेग बिफोर का बड़ा अपील किया गया और अक्षय जी कोलंबकर सर इन्होंने बता दिया ऑफ स्टंप को मिस करती हुई गेंद जा रही थी, और इस डॉट गेंद के साथ यहां पर इस ओवर को समाप्त किया गया है और चार ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन संख्या बनी है दोस्तों 33 रन, आने वाली गेंद अच्छे जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत। युवराज सिंह की रूह किसी बल्लेबाज में समानी होगी, मंदार मयेकर की रूह समानी होगी, तब जाकर यह इम्पॉसिबल लगने वाला मिशन पॉसिबल हो सकता है। छह गेंदे 36 रनों की जरूरत, सहा चेंडू आणि मैदानाच्या आत मध्ये 36 धावांची आवश्यकता। अनेक स्पर्धेमध्ये मी पाहिलेलं आहे सहा चेंडू मध्ये 35 ते 36 धावा कुठल्या गेल्यात, तो इतिहास पुन्हा एकदा या मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल का हे देखील पाहण्यासारखं असेल। सहा चेंडू 36 धावांचं समीकरण आहे आणि उपांत्य फेरीची लढत मैदानामध्ये रंगलेली आहे। अंतिम फेरीमध्ये कोणता संघ पोहोचणार याकडे सर्व रसिक प्रेक्षकांचं लक्ष लागून राहिलंय, आणि युट्यूबच्या माध्यमातून आमच्या बरोबर आतापर्यंत 654 प्रेक्षक वर्ग जोडले गेले, त्या सर्वांचं मी सरदार शेख मनपूर्वक स्वागत करतो। मित्रांनो, जो सामना तुम्ही पाहायची इच्छा व्यक्त करताय तो सामना थोड्याच वेळामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल, परंतु मैदानाच्या आतमध्ये जे समीकरण आहे सहा चेंडू आणि 36 धावा पाहूया। वारा देखील त्या दिशेने आहे म्हणजे ऍडव्हान्टेज असेल फलंदाजाला, आणि फलंदाज स्ट्राइक वरती असेल तो म्हणजे आकाश। मागच्या सामन्याचा सुपर हिरो 15 चेंडूंमध्ये 45 धावांची घाणाघाती खेळी करणारा आकाश स्ट्राइक वरती। छे गेंदे 36 रनों की जरूरत, क्या इतिहास रचा जाएगा इस ओवर में। गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए अक्षय देख रहा होगा। इस बीच राइट आर्म और द विकेट से पांचवी और आखिरी ओवर की पहली गेंद लेकर सामने रहेंगे आकाश। और पिच गेंद, ओ गेंद गई सीधा घर में 6 रनों के लिए, सामना संभलेला नहीं है। और बताते हुए आकाश, मेरा बल्ला पिछले 4 ओवर लेकर जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत, आने वाली पांच गेंदे 30 रन, पांच में पांच छक्के जड़ने होंगे, क्या इतिहास रचा जाएगा। हवा का रुख भी उसी क्षेत्र में, सिर्फ गेंद को मिडल करना है और गेंदबाज जो है अक्षय, इनको सिर्फ एक गेंद सेफ निकालनी है अपने टीम को ग्रैंड फिनाले में पहुंचाने के लिए। देखना होगा ईश्वर की दूसरी गेंद, आकाश रहेंगे स्ट्राइक के ऊपर, जोर से खेला गया है और इशारा देखना होगा क्या आ रहा है वहां से। लाइनमैन वहां पर तैनात थे, इशारा दिया गया, 4 रनों का बाल बाल बचे और इस समय 4 रन और हासिल होते हुए रन संख्या बढ़ेगी इस समय 43 रन बने हैं। 4 गेंदे जीतने के लिए चाहिए 26 रनों की जरूरत। आकाश दे रहा है लेकिन दुरुस्त है, काफी समय बाद लंबे स्ट्रोक देखने को मिल रहे हैं और इस समय गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए फिर से एक बार अक्षय, आकाश स्ट्राइक के ऊपर,
जोर से खेलने का प्रयास किया, अंदरूनी हिस्सा लगा, सेलिब्रेशन बीच मैदान में होता हुआ। उनको पता है ये विकेट उनको कितना ज्यादा मायने रखती है, बीच मैदान में सेलिब्रेशन भी देख सकते हैं। उनको पता था जैसे ही छक्का पहली गेंद पर जड़ा था, थोड़ी सी यहाँ पर उनकी धड़कन अक्षय आकाश स्ट्राइक काश, लेकिन अपने टीम को यहां पर कहीं ना कहीं देर से एक लंबी स्ट्रोक देखने को मिले और इस समय रन संख्या रुकी हुई कुल मिलाकर 43 रनों पर। नए बल्लेबाज आते हुए, तीन गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 26 रनों की जरूरत। प्रज्वल आए बल्लेबाजी के लिए। यह सेमीफाइनल का मुकाबला है दोस्तों और काफी ज्यादा दर्शक है जो इस मैच को स्टेडियम में आकर देख रहे हैं और कुछ लोग यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। उन सभीों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, बहुत ही सुनहरा माहौल बना है क्रिकेट के दृष्टिकोण से। तीन गेंदे 26 रनों की जरूरत। गेंदबाजी मार्क पर अक्षय प्रज्वल आएंगे स्ट्राइक के ऊपर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, उनको भेजा गया है हवा के रुख के अगेंस्ट। इस बल्लेबाज को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है। देखना होगा चौथी गेंद है, आखिरी ओवर की चौथी गेंद। सामने रहेंगे बल्लेबाज प्रज्वल, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। जोर से खेलना चाहते थे, कामयाब भी हुए, नजरें जमाई रखी और एक ब्रांडेड स्ट्रोक सामने खेला और अंपायर के सर के ऊपर से गेंद जाएगी सीधा 6 रनों के लिए। प्रज्वल ने आते ही फायर किया है एक। प्रज्वल लेफ्ट हैंड देखना होगा इस समय अक्षय फिर से एक बार गेंदबाजी बार पर। उम्मीद है देखना चाहते हैं गलती कर बैठे गेंदबाजी इसी के तलाश में और मुझे लगता है इसी गलती यहां पर नहीं करना चाहेंगे अक्षय। और प्रज्वल ने आते ही छक्का जड़ के अपने इरादे स्पष्ट किए। दो गेंदे शेष है और जीतने के लिए चाहिए 20 रनों की जरूरत। दोन चिंडोनी 20 धावा है, समीकरण मैदान में आए। फिर से एक बार अक्षय गेंदबाजी बार पर, प्रज्वल रहेंगे स्ट्राइक के ऊपर। जोर से खेलने का प्रयास जरूर किया था, मिडल अच्छी तरीके से नहीं हुई, मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद जाती हुई एक रन बड़ी तेजी के साथ पूरा किया और बड़ी आसानी के साथ जीत के दहलीज पर आकर रुके हैं ऑल फ्रेंड्स गावड़े अंबेरी की टीम। और लगातार तीसरी बार रहेगी जो फाइनलिस्ट टीम रहेगी, पिछले दो टूर्नामेंट में फाइनलिस्ट रही थी और फाइनल अपने नाम किया था और इस समय देखना होगा इस बार भी फाइनल की जाने के कगार पर है और एक गेंद दूर है सेलिब्रेशन के लिए। लेक्सम के थोड़ी सी बाहर है, वाइड का इशारा निश्चित रूप से आएगा और एक रन यहां पर बनेगा 51 रन बनते हुए। और थोड़ा सा इंतजार करना होगा जीतने के लिए, अभी भी 18 रनों की जरूरत है। एक गेंद 18 रन, कहीं ना कहीं जकड़ कर रखा सुविचार ने नफीतुली गेंदबाजी की जिसकी वजह से यहां पर गावड़े अंबेरी की टीम मजबूत स्थिति में आती हुई। लेक्सम के थोड़ी सी बाहर है और थोड़ा सा इंतजार करना होगा, वाइड से और एक रन बढ़ेगा 52 रन बने। जीतने के लिए चाहिए 17 रनों की जरूरत। क्या यहाँ पर इतिहास रचा जाएगा? गेंदबाज बार बार गलती कर रहे, धीमी करने के चक्कर में दो एक्स्ट्रा गेंदे की है। निखिल स्ट्राइक पर है, ऑफ साइड पूरी कवर करते हुए यहाँ पर बल्लेबाजी करना चाहते। आखिरी गेंद है, इनिंग की आखिरी, सेकेंड इनिंग की आखिरी गेंद, सेलिब्रेशन का मौका है, इंतजार करना पड़ रहा है। जोर से यहां पर गेंद किया और इसी के साथ ऑल फ्रेंड्स गावड़े अंबेरे टीम ने ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह बना ली है। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। आयुष 11 आडिबरे अपन देखी स्पर्धे मध्य खूब अप्रतिम चांगला खेल खेला